आर्मी का टैंक, इसके ऊपर पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ है, हमें तो कुछ पता नहीं। किधर है छिपकली? कहाँ? किधर है? ओ गोई, छिपकली नहीं है। ओ गो, घुसी हुई है इसके अंदर। वो पीछे हो, वो देखो जी, वो इसके अंदर घुसी हुई है, पता नहीं नजर आ रही का नहीं। ओ नहीं नहीं, जाइए उसके पास ना जाओ। ये जी ऐप पता नहीं इसका मॉडल नहीं मुझे पता। ये तैयार है, ये एक मिसाइल पड़ा हुआ यहाँ पे, ये देखें जी। अब पिक्चर्स क्लिक करते हैं और हम निकलते हैं घर की तरफ। यहाँ से भी एग्जिट करने लगे, यहाँ पर निकलने अब घर जाएंगे, उधर जाके देखते हैं क्या सीन पार्ट क्या है। मैं आप लोगों को एक बात बताना भूल गया, मुझे भी अभी भाई ने बताई है कि कहते हैं कि यहाँ पे जब आप अभी भाई की कॉल आई है, वो देखें वो सामने खड़े हुए हैं, ठीक है। उन्होंने की कॉल आई मुझे और कहते हैं कि ये जहाँ पे आप कैमरा यूज़ कर रहे हो ना, यहाँ पे कैमरा यूज़ करना भी अलाउ नहीं होता, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं ना आप देख रहे हैं, ये आपको नेट पर कहीं पर भी नहीं मिलेंगे ना, ये जो ना न्यूज़ में कभी दिखाई गई हैं ये चीज़ें, ठीक है। तो उसको कह रहे हैं थोड़ा सा केयरफुल रहना, ठीक है। मैं कहा चलो आप लोगों को थोड़ी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि आप यहाँ पे आके कैमरा नहीं यूज़ कर सकते, जो मर्ज़ी हो जाए। घर आए हैं अभी से, अभी सैर सूर करते हुए हम लोग घर आए हैं, अभी खाने खाने जाते हैं मैस के अंदर। वहाँ पर आपको मैसेज दिखाते हैं थोड़ा सा और बाकी के सीन पार्ट समझाते हैं। बाकी अभी टाइम शायद पता नहीं, अब क्या करना क्या है, या घर जाना है या क्या होता है। वैसे मैं तो आई थी घर ही जाएंगे, अब देखते हैं। एमरजेंसी कॉल आई है भाई को, अब मैं इसके अंदर जा रहे हैं खाना खाने के लिए। नूरेमान और उसके बाबा देखें, नूरेमान अपने बाबा को तंग कर रही है, अब उसके बाबा उसको उठा के कभी इधर कभी इधर कभी इधर, जैसे जैसे नूरेमान राजी हो जाती है ना वैसे वैसे उसको राजी कर लेते हैं। चलें जी, आई डोंट प्ले। ओके ओके ओके, लेट्स, आई हैव फर्स्ट, यू हैव सेकंड, यू नो व्हाट अबाउट दैट। आई एम सो एक्साइटेड बिकॉज ओए ओए ओए, खाना चम्मच इधर लगा हुआ है। या भैया हमारे से पहले पहुंच गया। लड्डू उठा हुआ है, दांत भी काल रहा है। हो देखो मैंने खा लिया, और यहाँ पे है हमारा वाशरूम, ये हमारी मैस की दूसरी साइड जहाँ पे ये जी सिटिंग एरिया वगैरह बना हुआ है, बाकी इधर और कुछ भी नहीं है। हमारे मैस की जो मैसा भाई का इधर से एंट्रेंस होती है, ये गेट है ये सामने वाला, और ये गेट है और ये दूसरा गेट है इधर की तरफ से। ये काफ़ी प्यारी लुक बनी हुई है इसकी, ये दूसरा गेट है किसका, इधर वाला। इधर भी पार्किंग है, ये इधर गार्ड वगैरह, इधर भी पार्किंग है, और दूसरी तरफ वो सामने गाड़ियाँ भी पार्क हुई, ठीक है। तो ये हमारे भाई का मतलब जो आर्मी का मैस है, उनको उनके घर के बिल्कुल बैक साइड पे वो मैस मिला हुआ है। मेरे खाना छाना खा के तो मैं आ गया हूँ, अच्छा शायद जाने का टाइम हो गया, अभी कल ही आए थे और आज जा रहे हैं, मजबूरी बन गया भाई की, तो इसीलिए अब देखते हैं क्या बन। सारे तैयार अच्छा होते हैं, मैंने भी अभी कपड़े चेंज करने जाने के लिए, इजी हो गया जाना है, सफ़र बड़ा मुश्किल जी। बॉयज़ हमारी जो पैकिंग चेकिंग है वापसी के लिए हम तैयार हो चुके हैं, ये देखिए नूरेमान, ये हमारे कपड़े, दूसरी तरफ हमने मैंने भी अपने सारा सामान पकड़ लिया, बैग शैग सारा लैपटॉप वगैरह उठा लिए, ठीक है। अब निकलते हैं वापसी की तरफ, नहीं हमें कोई ज़्यादा नसीब हुआ हमारा ज़्यादा देर रहना यहाँ पे, ऐसे मज़ा आया इंशाल्लाह, फिर कभी मुलाकात हुई फिर आएंगे, काफ़ी मज़ा आया अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है यहाँ पे। सामान इधर एडजस्ट करवा दिया सारा, अभी सामान और आता है वो भी रख लेते हैं और फिर निकलते हैं वापस की तरफ। ये हमने इधर कोट को इधर एडजस्ट कर लिया, नूरेमान को इधर बिठा देना है, नहीं तो फिर पीछे हो जाओ ना, बैठ जाओ, बैठना है कि नहीं बैठना, बैठते हैं गाड़ी में हम भी और निकलते हैं बच्चनों की तरफ। आप आवाज दबे ना दबे वो तलाक कर ले, दोनों प्रॉब्लम नहीं है, मोबाइल वगैरह पकड़ लिया आपने अपना, मेरा बैग से भी नूरेमान का फीडर, और वो भाई 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 पापा को अरे वो फीडर भी नहीं है।